और एक बड़ी खबर आ रही है ठाणे जिले के उल्लासनगर इलाके से, जहां रविवार तड़के एक 7 मंजिले इमारत के 5वीं मंजिले का स्लैब अचानक गिर गया और इसके मलबे के नीचे दबकर 4 वर्षीय मासूम बच्चे की मौत हो गई। मृतक बच्चे का नाम नीरज सातपुते बताया जा रहा है। वहीं इस हादसे में पंचशील तात्याराव नाम के एक व्यक्ति के गंभीर रूप से घायल होने की बात भी सामने आ रही है, जिसे आनन-फानन में उपचार के लिए मध्यवर्ती अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी स्थिति अब भी नाजुक बताई जा रही है। घटना की खबर मिलते ही मौके पर पहुंची नगर पालिका की टीम ने पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से इमारत को पूरी तरह से खाली करवा लिया और उसे सील भी कर दिया, ताकि दोबारा कोई उसमें जाने की कोशिश ना कर सके। हादसे की शिकार हुई इमारत का नाम अंबिका सागर बताया जा रहा है, जो कि उल्लासनगर कैंप क्रमांक 3 के पवई चौक पर स्थित है। आज सकाळी 6 वाजता अंबिका सागर पवई मध्ये ही 92 92 मध्ये बनवलेली ही बिल्डिंग आहे। या बिल्डिंगचा वरती टेरेसवर फार मोठं लीकेज, आणि त्या लीकेजमुळे आज आग हा एक स्लॅब कोसळलेला आहे त्यांच्या घरामध्ये बेडरूममध्ये, आणि एक लहान मुलाचं मृत्यू झालेलं आहे। एक दुर्घटना हुई है, एक 3.5 साल के बच्चे की मृत्यु हो गई है। उसके लिए पूरा उल्लासनगर बहुत शोक जाहिर कर रहा है। और ये जो धोखादायक बिल्डिंगें हैं, मैं आपको बताऊं कि वो अधिवेशन खाली नहीं है, जिसमें अधिवेशन में मैंने 4 बार ये मांग नहीं की हो कि पहले जो धोखादायक डायलिपिटेड बिल्डिंगें हैं उनकी पॉलिसी दो। डीसी रूल नहीं दिए गए हैं, क्लस्टर डेवलपमेंट का कुछ अता पता नहीं है। अभी सरकार से मेरी हमेशा मांग रही है, और मैंने यूं भी कहा है कि एक एक बिल्डिंग गिरती रहेगी, लोगों को 5,50,000 अनुदान देंगे, इनको न्याय कभी मिलेगा। हमारे 2,500 पिछली बार भी मैंने कहा है कि 2,500 कुटुंब हमारे रोड पे रास्ते पे आ गए हैं, पर सरकार का अब तक कोई फैसला आया नहीं है। एजिटेशन चालू करेंगे जब तक सरकार हमको धोखादायक बिल्डिंगों के ऊपर न्याय नहीं दे रही है। और जो लोग 2,500 जो बेघर हुए हैं, रास्तों पे पड़े हैं, और ये लोग भी अभी रो रहे हैं, कितनी सारी फैमिलीज रो रहे हैं, यहाँ पे जाएंगे कहाँ? तो हमें न्याय चाहिए।